पूछिए कुछ, आप कुछ ना कुछ पूछिए। हम कह रहे हैं आप दारू पीते हैं? नहीं दारू नहीं पीता हूँ, तारी पीता हूँ। तारी इसलिए को फलदायक है, ईजा हानिकारक है। तारी पर से टैक्स कौन हटाया था पता है आपको? लालू यादव। लालू यादव, संतोष कुमार सुमन, ये तो आप खत्म है। हाँ, ये तो मांझी से भी खत्म है। अच्छा नीतीश कुमार ट्वीट नहीं किए अभी तक? नहीं करने के, मान लो ग्राम विकास पासवान एक दलित के नेता थे, दलित विरोधी नीतीश कुमार है। लालू जी आपके लिए क्या किए हैं? मांझी के लिए, मुसर समाज के लिए? मुसर के लिए तो बहुत कुछ किए। क्या लाल जो मुसर टोली में चला जाए लालू जी, उसको बाल नहीं हाथ भर के कटवाते थे, साफ सुथरा करवाते थे। और क्या करे बेचारा, उसे इतना तक बना, उसको ब्लॉक जाने के लिए दिशा निर्देश नहीं पता था। उस समय लालू पर सरकार का ही था ना, तब बड़े बड़े जमींदारों के बाल बच्चा ब्लॉक जाता कर रहे थे। हाँ आपका काम है, आप कहा जा रहे फलन, हम ही कराने दे बहु, तो उसको ब्लॉक जाने और भग जाने से रोका जाता था। इस व्यवस्था था उस 90 में। दारू के जो सवाल बोलते हैं, आप बताइए, आप सब दिन आदत खाना है घी मलाई के, तो आप अच्छी लिट्टी खाइएगा सूखल? नहीं आप पूछते हैं वही जवाब दीजिए, नहीं ना खाइएगा भाई? तो पहले गाँव गाँव भट्टी खुलवा दिए, बाटे बाट खुलवा दिए, पिलवा कर हिस्का आप लगवा दिए, आप करिए कि दारू बंद, तो आदत मान जाएगा आदमी। हमारे साथ हैं देव शरण मांझी जी, बहुत अच्छा प्रकोष्ठ के प्रदेश सेक्रेटरी। बोलिए दलित प्रकोष्ठ, बोलिए। मैं देव शरण मांझी, बिहार प्रदेश दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव। मांझी कहाँ से हैं? हमारे पटना जिला के मसौढ़ी से आए हैं। अच्छा मसौढ़ी, रेखा पासवान वाला? हाँ रेखा पासवान हमारे क्षेत्र विधायक हैं। अच्छा और कुछ? रामविलास पासवान जी को जानते हैं? रामविलास पासवान जी को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। क्या किए आपके लिए? देखिए हमारे लिए जब रेल मंत्री थे दलितों के लिए, जिसकी जितना भी आरक्षण सीट हुआ कम से कम देने का काम किया। अच्छा सबसे बड़ी बात है, जो भी बना वो अपने विभाग में जहाँ भी रहे काम अच्छे तरीके से किए। ये नहीं है कि काम नहीं किए। मांझी जी काम कर रहे हैं आपके लिए? मांझी जी हमारी ये काम तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनका नाम मांझी? हाँ मांझी जी कहिए ना, खूब अच्छी तरह जानते हैं, उनको भी जानते हैं हम आज से नहीं, तकरीबन पुराने जब से इंटर करने के बाद हम राजनीति में आए हैं। इंटर किए हुए हैं? हाँ हाँ। कुछ बोलिए सवाल कीजिए। राजनीति में आप आए? हाँ। मांझी जी काम नहीं किए? नहीं। उनका बचवा संतोष कुमार कुछ भी नहीं करता, वो समाज को देखना ही नहीं चाहता, कि समाज हमारे आगे बढ़ जाएगा तो मैं पास चल जाऊंगा, सीधे सीधी बात। हाँ अरे हम लोग अनेक बार ट्राई करके बैठे हुए हैं। हम देखें, संभावित बात है कि यदि मांझी जी दौड़े पर चल जाएंगे ना, तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं बात को। संतोष कुमार सुमन, ये तो आप खत्म है? हाँ ये तो मांझी से भी खत्म है। अच्छा नीतीश कुमार ट्वीट नहीं किए अभी तक? नहीं करने के, मान लो ग्राम विकास पासवान एक दलित के नेता थे, दलित विरोधी नीतीश कुमार है जी, दलित विरोधी नहीं होता। आज दलितों के सैकड़ों, आज देखिए रोज पढ़ते हैं दलितों, दलित लड़कियों के साथ, दलित लड़कों के साथ क्या हो रहा है, आप खुद जानते होंगे। नहीं हम सही बात सही बोल रहे हैं, क्या आज देखिए जितना भी है लड़कन के लिए छात्रवृत्ति बंद किया, आगे दलित कैसे बढ़ेगा? अरे छात्र जो बंद कर दिया, हम दलित महादलित बात के विकास किए, उनका विकास किया तो नजर के सामने है। हाँ। क्या विकास की विनाश किया? हाँ। सबसे पहले देखिए क्षेत्र कहीं भी जाइए, उनको क्षेत्र में हाँ। नीतीश कुमार को झाड़ू से मारता है, कोई चप्पले फेंक रहा है, तो ऐसा समझिए कि विकास पर नीतीश कुमार कैसे साबित हो सकता है? पटना में बड़का बड़का पुल जो बनल हमर है कि नीतीश कुमार बनल के? तो नीतीश कुमार बनाया था उसको, उसको परिवार जी रहा है पुल से। वह गरीब गुरुओं को जो देहात में रहता है उसको साइकिल चलने का औकात मोटरसाइकिल पटना में नहीं आएगा? हाँ समझिए। क्या मांगते हैं आप लोग नीतीश कुमार? क्या विकास मतलब क्या? विकास ऐसा होना चाहिए कि आज हमको शिक्षा से दूर कर दिया। हाँ। शिक्षा होगा तब विकास होगा। ये जानते ना कि पढ़े लिखेंगे तब मेरा नौकरी होगा? आप शिक्षा ही चौपट कर दिए तो मेरा बाल बच्चा पढ़े नहीं करेगा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? छात्रवृत्ति आप जो दलित को था जवल इंजन की सरकार में भी देखिए दलितों का था आरक्षण में, जो आज इसकी समाप्त करने जा रहा है। अच्छा, कर दिया। लालू जी का बयान सुने आज भाषण इतिहा पर? ठीक है, लालू जी आपके लिए क्या किए हैं? मांझी के लिए, मुसर समाज के लिए? मुसर के लिए तो बहुत कुछ किए। क्या लाल जो मुसर टोली में चला जाए लालू जी, उसको बाल नहीं हाथ भर के कटवाते थे, साफ सुथरा करवाते थे। और क्या करे बेचारा, उसे इतना तक बना, उसको ब्लॉक जाने के लिए दिशा निर्देश नहीं पता था। उस समय लालू पर सरकार का ही था ना, तब बड़े बड़े जमींदारों के बाल बच्चा ब्लॉक जाता कर रहे थे। हाँ आपका काम है, आप कहा जा रहे फलन, हम ही कराने दे बहु, तो उसको ब्लॉक जाने और भग जाने से रोका जाता था। इस व्यवस्था था उस 90 में। अब हो को अभी अब व्यवस्था है? उस समय हम तो भाई मैट्रिक पर इंटर पढ़ रहे थे। अभी वो व्यवस्था है? अब शासन काल बीजेपी के आने से ही व्यवस्था हो गया। लालू जी के शासन काल जन में नहीं था। आप जाइए ब्लॉकों में थाने में, तो पंडित जी कहती बनिया कहते हैं कि बोही नहीं हुआ है दुकानदार में, तो इसके रीजन में डेट टेबल पर जाइएगा ना। अरे अभी तो बोही नहीं, अभी तो यार दुकानें खोले, ऑफिस ऑफिस में दुकान, ऑफिस में दुकान, ऑफिस खुलवे नहीं करवे किए हैं, तू कह रहा है कि काम करो कुछ दक्षिणा करो। आप सुनिए बताइए, हमारा लोग गरीब ऐसी बाल बच्चे किसी चल जाति प्राण पत्र है, तो उसके लिए आप दक्षिणा दीजिए, उसे पॉकेट में है खाया है कि ना खाया है, कैसे आया है उसको तो मजबूरी नहीं सुन रहे हैं। यही शासनकाल है।
यही नीतीश कुमार का शासनकाल है। लालू जी के शासनकाल को तो जंगल राज करता था आदमी। देखिए जंगल राज, देखिए हाँ, ये बिहार है, सुनिए हम बताते हैं, ये बिहार है, बिहार में कितने जंगल होंगे। जंगल राज लालू जी इसलिए कहा, इस बिहार को जंगल इसलिए कहा कि इस जंगल को मैंने राजा, हम रहेंगे। लालू जी नहीं रखते, इसको उदाहरण उसी रूप में दिया, लोग समझा ना समझे, ये जंगल का राजा मैं रहूँगा, मैं लालू, इसलिए लालू जी को जंगल राज कहा। सीधी सीधी बात, जो कहा जाता है कि 90 से पहले खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, तो ये बूसट नया पहन नहीं सकते थे गांव में, कहीं ब्याह हुआ में जाया पड़ता था, बूसट चिमकी में रह जाए पड़ता था, वहाँ पहने पड़ता था आपको। हम कहानी बताते हैं, हमारे बाबू जी कांग्रेसिया नेता थे। अच्छा। हमारे बाबू जा रहे थे ससुराल नलिहाल में जा रहे थे, तो वो रास्ते में कोई जमींदार का मकान रास्ता पड़ता था ना, तो अरे उधर से नेता आदमी तो अपन टाइट में चलता है, जूता मौजा टोपी लगा के आ रहे थे, अरे जहाँ जा रहा माझी जरा छतों तरिया रोड पर मारपीट करेगा जमींदार लोग। हाँ तो क्या कहें, हो डर से हम तो छाता मोड़ लेते थे। अब डर लगा हको, अब डर लगा, अब डर लगता नीतीश के शासन काल में कि ककनी साला जैसे कि सिपाही पकड़ होता था कि सुना बुसटवा पहने में अब डर लगा हो को कि बुसटवा गांव में पहने आराम से, ये तो सर्व समधि मिलन किए हैं, समधि मिलन किए हैं सब, तो हर कोई करता है भैया, तो हम करें। तो पहले होता था कि बुसट उसट नहीं पहने, नहीं ऐसा नहीं होता था, यदि ये पुराना है तो ये नया है यही होता था, ये नहीं पहने जाता था, यदि ये नया है तो पुराना है, ये नया है तो पुराना है, यही होता था, होता था, व्यवस्थित से था। अच्छा आज तेजस्वी जी अभी संबोधन दे रहे थे, बयान दे रहे थे, और आप कह रहे हैं कि संतोष कुमार सुमन जो मांझी जी के बच्चा हैं, SST मंत्री भी मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, तो इन दोनों में और चिराग पासवान को भी जोड़ लेते हैं, पासवान जी का बेटा है, तीनों में बढ़िया नेता को अभी एक नंबर में तेजस्वी यादव जी हैं, एक नंबर में जा रहे हैं, कहीं भी गरीब कुछ हुआ दौड़ के चल जाते हैं, और उसी दुख दर्द में मेरा साथ इसी में देता है, मानेंगे युवा के नेता है, युवा पीढ़ी है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार से कुछ समाचार भी लेके नहीं जाएगा, उसको बरकर भी नहीं जाएगा, पर यदि आप किसी तरह से केस में जांच भी यहाँ तो नाराजों में डाल देगा, आपको भेज देगा। नीतीश कुमार के शासन काल में निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाता है। कल परसों ने लगता है 3-4 दिन हो गया, मांझी जी बोले कि दारू हल्का हल्का पियो, औषधि है पीना चाहिए, और नीतीश कुमार कहते हैं दारू बंद। दारू के जो सवाल बोलते हैं, आप बताइए, आप सब दिन आदत खाना है घी मलाई के, तो आप अच्छी लिट्टी खाइएगा सुखल, नहीं आप पूछते हैं वही जवाब दीजिए, नहीं ना खाइएगा भाई, तो पहले गाँव गाँव भट्टी खुलवा दिए, बाटे बाट खुलवा दिए, पिलवा कर हिस्का लगवा दिए, आप करिए कि दारू बंद, तो आदत मान जाएगा आदमी, आप मान जाएगा वैसे मान जी पर हल्के हल्के पियो, और बताइए आपके घर तक पहुंच रहा है, ये बात को समझिए पहले, होम डिलीवरी जी वाला बात बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी होता है, कह रहे हैं वही आप लालू जी वाला बात बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, झुट्टो ठीक है भाई, लालू जी की बात छोड़िए, पूछिए कुछ आप, कुछ ना कुछ पूछिए। हम कह रहे हैं आप दारू पीते हैं? नहीं दारू नहीं पीता हूँ, तारी पीता हूँ, तारी इसलिए को फलदायक है, ये हानिकारक है। तारी पर से टैक्स कौन हटाया था पता है? लालू यादव, लालू यादव इसलिए हटाया था, रंग चौधरी एगो पासी सिखा दिया कुपड़े चढ़ो आ चढ़ के लटको उसको गिरेगा तक का हालत हो, इसलिए टैक्स हटाया था। पक्का पक्का। नाम कहा को? प्रभात कुमार पासवान। नीतीश कुमार अभी तक जो है ट्वीट नहीं किए हैं रामविलास पासवान जी की जयंती पर, नरेंद्र मोदी कर दिए लेकिन नीतीश कुमार नहीं किया, और RJD मना ही नहीं, क्या कहना है आपको? हम यही कि हमारे आज राष्ट्रीय जनता दल ने रामविलास पासवान जी का जयंती मनाए हैं। नीतीश कुमार जयंती नहीं मनाए, उस पर बोलिए ना। नीतीश कुमार जी नहीं मनाए, उनका अहंकारी है जी, अहंकार से भरे हुए हैं। जब उस समय रामविलास पास जी जब डेथ किए थे, उनका जब बदी आया था, तो वो अपने आप में गए माला दिए, आ ये भी उन परिवार के जो चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान से भी नहीं मिले, नहीं उनकी फैमिली से मिले, और सीधे माला डाल के वो निकल गए। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हमारे तेजस्वी जी ने माला अर्पण करके जाके चिराग जी से मिले, उनके फैमिली से मिले, उनकी मम्मी को पैर छू के आशीर्वाद लिए। तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सुख दुख में राजनीति के तौर पे हमेशा साथ हैं, इसलिए हम लोग भी हमेशा चिराग जी के साथ हैं। चिराग जी के साथ हैं आप लोग? नहीं, सुख दुख में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल किसके साथ हैं? हम लोग हमेशा RJD को सपोर्ट करते हैं। सुख दुख में किसके साथ है? जब उनको कुछ होता है तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने उनको सपोर्ट करता है,
तभी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो नीतीश कुमार ट्वीट नहीं किए तो उससे आप लोग गुस्सा है? हम लोग बहुत गुस्सा है, वो अहंकारी है, सुशासन बाबू तीन नंबर की नेता है, तीन नंबर की पार्टी है नेता। हाँ, तीन नंबर, वन नंबर है मुख्यमंत्री है, तीन नंबर की पार्टी है। जो हमारे सरकार आज जो रहता वो गलती से जो जितने भी 25 गो सीट गड़बड़ करके वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। सब जी पक्का सब सत्ता लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार बौद्ध हुआ। विजय कुमार बौद्ध जी, कहाँ घर को? मेरा वैशाली डिस्ट्रिक्ट घर हुआ, पटेढ़ी बेसर प्रखंड में जा रंग। अच्छा, ये बताइए कि पासवान जी की जयंती पर ट्वीट नहीं किए अभी तक बधाई के लिए, मतलब होता है ना कि याद करते हैं नीतीश कुमार जी? देखिए नीतीश कुमार जी कहिए तो एक तक पूरी तरह से अहंकारी है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है वो उनको हमेशा से ह्रास पहुंचाने के काम करते हैं। और माननीय दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सामाजिक न्याय की हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे हैं, और आज उनका जन्मदिन है तो आज राष्ट्रीय जनता दल का भी स्थापना दिवस है, 25वां स्थापना दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी तय किया कि पहले हम लोग रामविलास पासवान जी के जयंती मनाएंगे और उसके बाद हम अपना स्थापना दिवस मनाने के काम। कि वह अहंकारी नेता है और लोग कहता है कि वो समाजवादी नेता है, जैसे लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, रामविलास पासवान हैं, उसी प्रकार नीतीश कुमार भी सोशलिस्ट यानी लोहिया को मानने वाले समाजवादी हैं। आपके नज़र में नीतीश कुमार समाजवादी हैं? नहीं, हमारे नज़र में तो नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता नहीं है, क्योंकि आप जनता के बीच में जाएंगे तो स्वयं आपको पता चल जाएगा कि वो समाजवादी है या अहंकारी है, स्वयं आपको पता चल जाएगा। स्वयं पता चल जी जनता के बीच में जाने के बाद। अब बताइए कि अब चिराग पासवान को पार्टी हो गया अलग, ठीक है, आप किसको समर्थन कीजिएगा, पशुपति चाचा को या चिराग भैया को? सुनिए, आप क्वेश्चन जो किए बहुत सीख किए, आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहली बात तो कि मैं आरजेडी के एक सक्रिय नेता हूँ, और लोजपा के प्रति या जदयू के प्रति, आप किसके प्रति रहेंगे? न्योता देना रहे हैं जीते तेजस्वी जी कि चिराग को आइए आइए, ठीक है, न्योता देना रहे हैं। तो जब तेजस्वी जी न्योता दे रहे हैं तो हमें उसका समर्थन करता हूँ। सीधी सीधी बात, न्योता में अगर वो आ जाते हैं भोज करे तो आप लोग साथ रहिए, एकदम साथ रहेंगे। तेजस्वी जी चलेंगे तो मैं ही साथ चलूंगा। अच्छा, तेजस्वी जी जाएंगे तो? हाँ हाँ, एक उसको हम अगले अगुवाए हैं, कहीं चल चलेंगे। ट्वीटवा नहीं किए बताइए, मोदी जी कर दिए ट्वीट, नीतीश कुमार नहीं? नीतीश कुमार अब 16वां टपरा, 15वां बाद। अच्छा, 16वां टपरा है, मान लीजिए कि मैंने 2000 चुनाव जो 20 में हुआ है कहीं होने जा रहा है, तब अहंकारी लोग क्या होता है, तो अहंकारी लोग हो गए, इसलिए इनको अब दलित का वोट का जरूरत नहीं है, इसलिए रामविलास जी को ट्वीट नहीं कर पाए। और कुछ बोलना है? और कुछ विशेष नहीं बोलना है, कहा कि हम दो पीने खाए हैं, भोजन उजन खाए हैं, नाश्ता किए हैं, लिट्टी क्या है पड़ी जो है सब। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं था खाए के? ना, बर्थडे में जाऊँ तो केक रह कहे चॉकलेट नहीं, पहले मैंने बात सुनी है, अब पक्ष लेने लगे आरजेडी का ना, ये बर्थडे में आप जाते हैं तो में रहे ना, केक रहे, चॉकलेट रहे, पूरी रहे, आलू दम रहे, हलवा रहे, तस्मय रहे, यहाँ का हलवा अगला मौसम यहाँ से खैर पानी चला कम से कम स्विच है। हाँ हाँ, पानी स्विच चला, अगले प्रोग्राम में खाना पीने की व्यवस्था था, अभी व्यवस्था नहीं था, व्यवस्था नहीं था, नहीं था, अगले बार था, क्या नाम बोले? मेरा नाम देवश्रम मांझी, ऐसे दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश सेक्रेटरी। देवश्रम मांझी, देवश्रम मांझी, तो हमारे साथ मांझी जी थे, जीतन राम मांझी नहीं, ये भी आरजेडी वाले मांझी जी हैं। कहना है इनका कि जो पहले का जो दौर था वो चीज अब नहीं चलेगा, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, और कहा इन्होंने कि हम पहला नेता हमारा जो है इनका कहना है, मेरा नहीं, ना चिराग पासवान है और ना संतोष कुमार सुमन है। संतोष कुमार सुमन जो है मांझी जी के बेटे हैं, हमारा पहला नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। वीडियो कैसा लगा और मांझी जी का बयान कैसा लगा? मसौढ़ी से आए हैं, रेखा पासवान जहाँ से विधायक हैं, कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।